हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और वेलकम है। तो आज हम आए हैं मुंबई और ये डबल डेकर बस है जिसमें हम जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ से बस का जो नज़ारा है वो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस बस से हमने किया वीडियो रिकॉर्ड और आप देखते रहिए क्या नज़ारा दिखता है। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और बेहतरीन नज़ारा है। तो ये रोड आगे से जाता है, इससे जाता हुआ खूबसूरत नज़ारे को हम कैद करते हुए इस कैमरे में और आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। आगे का जो नज़ारा है बहुत ही बेहतरीन है और लगता है जैसे कि हम वीडियो गेम खेल रहे हो। आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल है। यहाँ से और आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे कैसा है। अमेजिंग, बहुत ही मस्त नज़ारा है मुंबई का, देखने में बहुत ही बेहतरीन है। और आगे चलते हैं। वाव, आप देख सकते हो एक टैक्सी ठीक मेरे बस के सामने से जा रहा था, उसका हमने रिकॉर्ड किया। और आगे यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट होगा, फिर यहाँ से आगे चलेंगे। अमेजिंग, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अब यहाँ से और आगे चलते हैं। वाव, क्या नज़ारा दिखता है। बस से तो और भी बेहतरीन नज़ारा मिलता है देखने को। वाव, अब यहाँ से और आगे चलेंगे। ये आ गया गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ से हमको जाना है ताज होटल। तो ताज होटल है जो बॉम्बे का बहुत ही फेमस और मशहूर होटल है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये ताज होटल है और यहाँ का बहुत ही मशहूर है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है मुंबई का ताज होटल। और आप देख रहे हो मैं ठीक ताज होटल के सामने खड़ा हूँ और देखने में बहुत ही गजब का सीन है। और ये वही ताज होटल है जहाँ 26/11 हुआ था। वो नज़ारा पूरे भारत को दहशत में डाल दिया था। और वो जो 26/11 का नज़ारा था वो आज तक किसी ने भूला नहीं है। अभी भी अगर ताज होटल का बात आता है तो 26/11 याद ज़रूर आता है। इतना खतरनाक और भयानक हादसा था 26/11 का, मत पूछो। बहुत आदमियों को अपना जान गंवाना पड़ा था इस हादसे में। तो ये वही ताज होटल है दोस्तों। यहाँ पर काम करने के लिए बहुत यंगर्स का सपना है कि हम ताज होटल में काम करेंगे। और वो लोग बहुत मेहनत करते हैं ताज होटल में काम करने के लिए, बहुत कोशिश करते हैं, मगर कुछ का सपना अधूरा रह जाता है और कुछ जो नसीब वाले होते हैं उनको मिल जाता है ताज होटल में जॉब करने का मौका। तो वो लोग बहुत दिल से और मन लगा के ताज होटल में जॉब्स करते हैं और यहाँ बेशुमार दौलत वाले लोग आते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले आते हैं, दूर दूर से देसी विदेशी सब आते हैं, सेलिब्रिटीज लोग आते हैं, यूट्यूबर्स आते हैं, बड़े बड़े जिनके पास पैसे होते हैं। हमने भी ये सोचा एक दिन ताज होटल में जाके चाय पियेंगे, बट अफसोस अभी मेरा उतना औकात नहीं है। समय आने पर ज़रूर जाएंगे। और ये जो नज़ारा है यहाँ से आप स्पीड बोट का मज़ा ले सकते हो या नाव में आप घूम सकते हो यहाँ से। ये गेटवे ऑफ इंडिया का है और आप आगे देख सकते हो एक भारत का जो तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ, बहुत ही अमेजिंग और मज़ेदार लग रहा है। यहाँ से अब हम आगे चलेंगे। अब हमको जाना है चर्च गेट। यहाँ से चर्च गेट की ओर चलते हुए आप नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सामने दिखाई दे रहा है वो ताज होटल। तो और आगे चलेंगे। यहाँ से चलते हुए आप देख सकते हैं, अब मैं आ चुका हूँ चर्च गेट और सामने एक समंदर है,
समंदर का जो नज़ारा यहाँ से बहुत ही बेहतरीन दिखता है, और ये यहाँ का आप देख सकते हैं ये नज़ारा। और जो आप ये पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर मंगाया गया है फ्रांस से, और इस पत्थर का काम है जो बाढ़ आता है, बाढ़ का जो पानी आता है ऊपर तक पहले आ जाता था, उसको रोकने के लिए इस पत्थर को फ्रांस से इंपोर्ट करके मंगाया गया है, जो कि बेस कीमती है। और इस पत्थर का कंक्रीट का बना हुआ है ये पत्थर, और ये यहाँ पे लगाया गया है हज़ारों के तादाद में, जो देखने में बहुत बेहतरीन होता है। और ये शाम का नज़ारा आप देख सकते हो, कितना बेहतरीन नज़ारा। और अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। आज का जो घूमने का हमारा ये था, बहुत ही मज़ेदार और अच्छा दिन था। आप देख सकते हो यहाँ से घुमा के पूरा 360 डिग्री में आपको दिखा रहा हूँ, जो बम्बई का नज़ारा है बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन है। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे भिंडी बाज़ार। तो दोस्तों ये भिंडी बाज़ार है, और भिंडी बाज़ार यहाँ बहुत ही फेमस है, और भिंडी बाज़ार पे एक गाना भी हुआ है। तो दोस्तों ये जो टावर देख रहे हो, ठीक इस टावर के पीछे लगता है चोर बाज़ार, जो मुंबई का बहुत ही मशहूर बाज़ार है और बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो दोस्तों हम वहाँ से और आगे चलते हैं, और आज का दिन बेहतरीन और बहुत मज़ेदार रहा। तो देखो ये जो नज़ारा है, ये भी बहुत बेहतरीन और लाजवाब है। अब हम यहाँ से और आगे चलेंगे और देखेंगे क्या नज़ारा है आगे का। वाव, यहाँ का भी नज़ारा बहुत मज़ेदार है। और ये मुंबई सिटी है, बहुत ही बड़ा शहर, सपनों का शहर, जो अभी गया। ये डबल डेकर बस है जिसका आज हमने मज़ा लिया। और ये है बीटी, बम्बई टर्मिनल या टर्मिनस। तो देखिए दोस्तों ये बम्बई टर्मिनस का जो नज़ारा है, ये भी बहुत बेहतरीन है और बहुत खूबसूरत है। तो बम्बई कहीं से कम नहीं है, बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन इंडिया में इसका है। तो दोस्तों ये जो है, ये शिवाजी स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, या CST भी बोल सकते हैं, CSMT भी बोल सकते हैं। और ये मुंबई का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, जो मुंबई में बहुत ही पॉपुलर और मशहूर है। तो दोस्तों ये जो नज़ारा है, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत, ताज होटल से भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है, जो मुंबई का रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज। और हम यहाँ से आगे चलेंगे, आप लोग इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट ब्लॉग का, फिर से आएंगे आपके लिए एक मज़ेदार ब्लॉग लेके, और आपका प्यार, आपका सपोर्ट पाने के लिए हम